हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है आर्यन और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल मोबाइल गैरेज। फ्रेंड्स, आज मेरे पास है एक नोकिया का सेट, नोकिया वन। इसका मॉडल है TA-1066। तो फ्रेंड्स, इसको हमने हार्ड रिसेट करना है, इसका लॉक हमें पता नहीं है। तो फ्रेंड्स, इसका हार्ड रिसेट करना है। तो हार्ड रिसेट करने के लिए सबसे पहले फ्रेंड्स, हमको अपना चार्जर, एक चार्जर अपना इसके साथ अटैच कर लेना है। ओके, चार्जर आप हार्ड रिसेट करेंगे तो याद रखना, चार्जर आपका फ़ोन में चार्जर लगा होना चाहिए। तो फ्रेंड्स, चलो शुरू करते हैं। हम इसको करेंगे पावर ऑफ। ओके, पावर ऑफ करने के बाद हम इसका पावर बटन और वॉल्यूम अप बटन, ये चार्जिंग का लोगो आने दो पहले एक बारी। उसके बाद ये आ गया है, हमने पावर बटन और वॉल्यूम अप बटन एक साथ दोनों प्रेस करना है, और तब तक प्रेस करके रखना है जब यहाँ पे ये एंड्रॉयड आने लग गया और पावर बटन छोड़ दें, ये आ रहा है नो कमांड। ओके फ्रेंड्स, नो कमांड आने लग गया। तो हमने इसको कमांड कैसे देना है, ये हमने पावर बटन और वॉल्यूम, पावर बटन को प्रेस करना है और वॉल्यूम बटन को एक बार प्रेस करना है। ये हमारा कमांड आ गया। बस हमने यहाँ से इसको हार्ड रीसेट का प्रोसेसिंग, फैक्ट्री रीसेट पे जाना है। पावर बटन से ओके, इससे यस, यस करने के बाद फ्रेंड्स इसको यहाँ से पावर बटन से कर दो रीबूट। ये हमारा यहाँ पे बता दिया, सारा वाइप हो गया है, अब रीबूटिंग सिस्टम हो गया। तो बस फ्रेंड, ये आपका हार्ड रीसेट हो चुका है। अब इसको जब ऑन होएगा तो हम देख सकते हैं, थोड़ा देर लगेगा ऑन होने में, आपका स्क्रीन लॉक खत्म हो चुका है। साउंड पड़ेगा यहाँ तो, एडिट नहीं करना तो कैसे भेज दे देगा एडिट करने के लिए यार, क्या है यार। तुम्हारा भी बिजली आ रहा है।
देखो फ्रेंड्स, ये फ़ोन होता है ऑन, और मैं आपको मिलता हूँ अपने अगले वीडियो में। हम इसका FRV बाईपास का वीडियो बनाएंगे, तो आपसे मैं मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू।